हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको फॉरेक्स की एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, जिसको आपको चार्ट्स पे करना है। इसमें कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ चार्ट्स पे मैं आपको चीज़ें एक ड्रॉ करके बताऊँगा, और इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं 1-2-3 ट्रेडिंग सेटअप इन फॉरेक्स, ठीक है। तीन लाइनें ड्रॉ करनी है और आपको मिल जाएगा, आपका एंट्री मिल जाएगा, आपके टारगेट पता चल जाएंगे, आपका एसएल पता चल जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो है एसएल हिट होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को फॉलो करेंगे यहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो वापस से कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करो और इन स्ट्रेटजीज को अपने चार्ट्स में इंप्लीमेंट करो। ऑफकोर्स एक चीज़ हमेशा से याद रखना कि आपको जो चार्ट्स पे चीज़ें दिखती हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, वो कोई एक या दो रात की बात नहीं है कि हमने एक दो रात मेहनत की सीख गए, ठीक है। लोगों को सालों साल लग गए, बट कोशिश ये रहेगी कि आपको ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द सिखाया जाए, ओके। बिकॉज यू नो अभी टाइम बहुत चेंज हो गया, सोशल मीडियाज आ गए हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, लोग देख लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ये भी कोई बताने वाला नहीं था कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे करें, ओके। लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, ठीक है। तो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल सोशल मीडियाज, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं, हम चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा मकसद है यहाँ पे। तो अगेन इस स्ट्रेटजी को हम सीखें, किस हिसाब से इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, और जैसे कि हमने कहा है ना कि हमारे जो कैपिटल है उसको कैसे 5 गुना करें, 10 गुना करें, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ठीक है, विथ ज़ीरो रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पे, हमारा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारे हैं, ओके, अलग अलग नाम के, बट मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ मुझे अभी तक कोई इश्यूज नहीं आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑक्टा एफएक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऑक्टा, यहाँ पे आप जाएंगे, आप ट्रेड कर सकते हैं, इनको अच्छे खासे अवार्ड मिल चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और पूरी वीडियो प्लीज़ देखना, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्टा की, बात करते हैं कि आप वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम है octafx.com। आप ओपन करेंगे, आपको इस हिसाब से चीज़ें दिखेंगी, आप यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं, साइनअप बहुत इजी है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको 2-4 ऑप्शंस मिलते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी कि आप डेमो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट ओपन ए डेमो अकाउंट, उसमें चीज़ों को सीखो, किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, कौन से पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, किस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल होता है, मेजर पेयर्स क्या होते हैं, चीज़ों को समझो। जब आपको लगेगा ना कि हाँ अच्छा खासा एक कर सकते हैं, चीज़ों को समझ गए, देन यू शुड गो विद द रियल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे ऑक्टा भी सेम चीज़ कहता है कि भाई पहले सीखो फिर मैदान में आओ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है। लेकिन देखिए, एक चीज़ होती है ना कि लोग कहते हैं यार हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें क्रिप्टो में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें फॉरेक्स में प्रॉफिट नहीं होता, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जिनको प्रॉफिट नहीं होता है उनसे पूछो कि भैया आपने किस कैसे किया है, तब आपको पूरी असलियत मालूम पड़ेगी कि उन्होंने किस हिसाब से ट्रेड किया है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि टेबल है, टेबल के ऊपर पूरा पैसा पड़ा हुआ है, बस आपको पैसा उठाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करनी है। वहाँ पे लोग गलत कर देते हैं, लोगों को यहाँ पे क्या है कि कुछ सीखना नहीं है, टेक्निकल ऐसे सीखने नहीं है, उनको रातों रात अमीर बनना है। हमेशा बोलते हैं यार कुछ ऐसा कुछ इंडिकेटर मिल जाए उससे हम कर लें, या कुछ ऐसा कॉल आ जाए जिसको हम करके वो कर लें, एंट्री ले लें, ये कर लें। तो लोगों को क्विक शॉर्टकट्स चाहिए यहाँ पे, ये सबसे कहते हैं कि मिसकंसेप्शन है, ये कहते हैं सबसे बड़ी गलती है, और जिसकी वजह से क्या रहता है कि पूरा चीज़ें खाली हो जाती है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट आपको यहाँ पे ऑक्टा को बता देता हूँ क्या एग्जैक्टली है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, MT4 है, MT5 है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे जाएंगे तो इनके बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस होते हैं, यानी कि आप ट्रेड इन वीक ऑप्शंस है, देन 50% डिपॉजिट है। इनफैक्ट हमारा जो आप प्रोमो कोड देख रहे हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज के अंदर है, उसको आप यूज़ करोगे तो आपका जो डिपॉजिट हो जाता है वो डबल होता है, ठीक है। यानी कि आपने $100 डाला तो $200 का आप ट्रेड कर सकते हो, तो ये बहुत बेहतर चीज़ है। देन चैम्पियन डेमो, डेमो के अंदर ट्रेड करो बिना पैसा ऐसा लगाए, और डेमो के अंदर अगर आप अच्छा करते हो तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आप अमाउंट जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे ऑन दैट यू हैव टू फोकस इज द एजुकेशन पार्ट। देखिए यहाँ पे वेबिनार्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, सारे दिए गए, तो आप यहाँ पे जाइए और फॉरेक्स की बेसिस को समझो, ठीक है। वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें, प्लेटफॉर्म को किस हिसाब से यूज़ करना है,
ये सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स है कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं फॉरेक्स के अंदर, ठीक है, और जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वो किस हिसाब से रिएक्ट करनी है, कौन कौन सी न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। देन अगेन ट्रेडिंग कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर, पिप कैलकुलेटर, सारी चीज़ें हैं। और फॉरेक्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी बेसिक्स वीडियो, तो वो अलग हम आप देख लेना, या अगर समझ नहीं आता तो फिर भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आप चीज़ें देख लेना, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, यहाँ पे मिल चुके हैं, 60+ अवार्ड्स है, 180+ कंट्रीज के अंदर चल रहा है, 40 million+ अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और लोग पूछते हैं कि भैया फॉरेक्स जो है क्या हम इसको इंडिया के अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है, RBI ने इसको पूरा बैन कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पे यही जोड़ना चाहता हूँ, देखिए ऑफकोर्स जो RBI कहता है कि आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, दैट ट्रेड इन पेयर ऑफ INR, ये कहता है, ओके। दूसरी चीज, वी आर नॉट अलाउड टू डू ट्रांजेक्शन्स विद द फॉरेक्स कंपनी इंटरनेशनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जितनी बड़ी बड़ी फॉरेक्स कंपनीज हैं, सब उसको ऑक्टा है या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं, उनका क्या रहता है कि इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी कंपनीज रहती हैं, ठीक है। तो आप जो भी पेमेंट करते हो वो उनके थ्रू होके जाता है, या आप विड्रॉल्स मांगते हैं तो भी उनके थ्रू होके जाता है। बट अगेन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप क्रिप्टो को यूज़ करो। आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको ये कहूँगा क्रिप्टो यूज़ करो, क्रिप्टो में डिपॉजिट करो, ट्रेड करो, प्रॉफिट लो, क्रिप्टो में निकाल लो, सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है, ठीक है। तो अदरवाइज आपको कुछ एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे, अभी मैं कह सकता हूँ कि आप मुंबई की बात कर लो, आप अहमदाबाद की बात कर लो, 80-90% जितनी भी फॉरेक्स वहाँ पे कंपनीज वगैरह है सब बाहर करते हैं, ओके। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बट अगेन यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। नेक्स्ट, जब आप वेबसाइट पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको इस हिसाब से पेज दिखता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल बैलेंस दिखेगा कि कितने आपके पास अमाउंट पड़ा है, ठीक है। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको करना है, ठीक है, आपका वैलेट है, इंटरनल ट्रांसफर्स करने हैं वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है ट्रेडिंग अकाउंट्स में आना है, देन आपको यहाँ पे आना है ओपन ए डेमो अकाउंट या ओपन ए रियल अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं यहाँ पे ओपन ए डेमो अकाउंट पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस रहेंगे, रियल करना है, डेमो करना है, डेमो पे क्लिक कीजिए, देन मैं आपको बोलूँगा स्टार्ट विथ MT4 पे आपको क्लिक करना है, देन आपको लेवरेज आती है। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आप कम पैसे में ज़्यादा बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपको 1 लाख की ट्रेड करनी है, ठीक है, 1 लाख की ट्रेड करनी है, लेकिन आपके पास $1,00,000 नहीं है, ओके। तो आप क्या करते हैं, 500 की यहाँ पे लेवरेज उठाते हैं। तो 500 की जब आप लेवरेज उठाते हो तो 1 लाख को आप 500 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपको सिर्फ $200 का मार्जिन लगेगा, यानी कि आपके पास अगर $200 है तो आप $1,00,000 की यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग 500 का यहाँ पे लेवरेज उठा के यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आप कम करना चाहते हो कम भी कर सकते हैं, ओके। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आप जब रजिस्टर कर लेते हैं, आपको यूज़र पासवर्ड मिलता है मेटा ट्रेडर का, MT4 का, आप उसको लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप यहाँ पे देख लेना। और इसके अलावा अगर कुछ भी परेशानी आती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधा यहाँ पे चलते हैं स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, ओके। अब यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं, मैंने यूरो USD का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि 1, 2, 3 स्ट्रैटेजी को किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है और किस हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, यानी कि अपने जो कैपिटल है उसको 5 गुना 10 गुना किस हिसाब से करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना स्ट्रैटेजी को, ओके। अब पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे, टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेड किस हिसाब से करना है, किसको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि 1-2 दिन तक उसको होल्ड करते हैं या हफ्ते भर तक होल्ड करते हैं, उनको जो चार्ट यूज़ करना है डेट इज़ वीकली आपको उनको यूज़ करना है। आप डेली चार्ट यूज़ कर सकते हैं और 4 आवर्स का करना है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि आज की आज हमें ट्रेड करना है, सुबह हम ट्रेड लेते हैं, शाम तक हमें निकलना है, इस हिसाब से अगर है तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है डेट इज़ नियर अबाउट 1 आवर का आप टाइम फ्रेम पकड़ना है, और उसके बाद आप 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम पकड़ सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं कि जिन लोगों को बहुत तेज़ी है पैसे कमाने की, यानी कि बात करते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स हम उनको कहते हैं, या स्कैल्पिंग जिनको करना पसंद है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम आपको पकड़ना है, यानी कि 3 मिनट्स पकड़ना है, 1 मिनट का पकड़ना है। अब बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस 1, 2, 3
ट्रेड सेटअप। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज ड्रॉ करके बताता हूँ। दो तरह के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड चलता है और एक डाउन ट्रेंड चलता है। अब यहाँ पे जो है हम हमारी एंट्री क्या करेंगे, तब लेंगे जब हमें एक पुल बैक दिखेगा और वो पुल बैक आगे एक ब्रेकआउट लेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तीन पॉइंट्स हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड मिला, यानी कि पॉइंट वन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ऊपर ऊपर प्राइस गया। ओके, यहाँ तक गया, एक थोड़ी सी रैली अच्छी खासी चली, 4 आवर्स के चार्ट पे हम देख रहे हैं। उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया, ओके, और फिर प्राइस जो है यहाँ पे इस हिसाब से ऊपर चला। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो था ये हमारा पॉइंट वन हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट टू हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा पॉइंट थ्री हो गया। अब देखिए ये जब ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से पुल बैक नीचे की तरफ आया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर ऊपर गया। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही पुल बैक यहाँ पे हिट होकर ऊपर की तरफ गया यहाँ पे एंट्री लेते हैं। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है और ये जो पॉइंट नंबर टू है, ठीक है, इसको जब तोड़ के ऊपर आता है, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक अवर एंट्री। हमारा SL जो होगा वो पॉइंट नंबर थ्री पे यहाँ पे SL होगा, ठीक है, और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा, जो हम फिबोनाची वगैरह को यहाँ पे यूज़ करके करेंगे, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हमें करना है। ओके, उसी तरह से जब हम एक डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, यानी कि सपोज करो प्राइस पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू यहाँ पे आया, फिर ऊपर की तरफ एक यहाँ पे पुल बैक हुआ और फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। ओके, तो यहाँ पे क्या था, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री, ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर जब तीसरा, जब लाइन नीचे की तरफ आया और जब उसने पॉइंट टू को यहाँ से तोड़ा, तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और ये तीसरा जो होगा ये हमारा SL हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है। अब इसके अंदर जो हम ट्रेड सेटअप ले रहे हैं, इसमें दो तरह के हमारे पास ऑप्शन हैं, वो आगे मैं आपको चार्ट में बताऊँगा, बट आई होप ये आप समझ होंगे कि ये थ्री पॉइंट का सिस्टम क्या है, ठीक है। पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू पे गया, टू से फिर नीचे आया, पॉइंट थ्री गया, और फिर पॉइंट थ्री से जब ऊपर टू का लेवल ब्रेक किया, डेट विल बी अवर एंट्री। इसका अपोजिट हो गया जब ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब हम चार्ट्स पे सीधा इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करना है, चलो लेटेस्ट ही पकड़ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ें वापस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये बॉटम है, ठीक है, बॉटम से प्राइस अच्छा खासा ये ऊपर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, उसके बाद से प्राइस नीचे नीचे आया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं, तो प्राइस यहाँ पे आया, फिर प्राइस वापस से ऊपर ऊपर आने लगा, ठीक है, ऊपर आया और फिर प्राइस यहाँ पे आया, एकदम कट टू कट आया यहाँ पे। और हमेशा से याद रखो कि हमेशा ये लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है तो एक या दो कैंडल का इंतजार करो फॉर कन्फर्मेशन कि ये सही में ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं फेक आउट हो। तो यहाँ पे एकदम कट टू कट आया, फिर वापस से नीचे की तरफ आया, फिर वापस से प्राइस जो ऊपर की तरफ गया, तब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया। यानी कि अगर आप यहाँ पे, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ओके, यहाँ से इसने यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ से हमने इसकी एंट्री ली, हमारा SL क्या हो गया, ये बॉटम पे यहाँ पे हो गया और टारगेट हमारा ऊपर की तरफ हो गया। तो यहाँ से भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ऊपर की तरफ जो टारगेट हमारा गया, 78 या 80 पिप्स के आसपास हमें यहाँ पे ईजिली प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये 4 आवर्स के ऊपर है तो हमारा टारगेट यहाँ पे बढ़ा है 70 से 80 पिप्स का। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो जो ट्रेडर्स हैं वो 10 पिप्स भी निकलते हैं, 20 पिप्स के ऊपर भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। फिर उसके बाद से प्राइस वापस से नीचे आया, और जैसे कि हम वापस से अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो हमने क्या किया, वापस से यहाँ पे चेक किया कि ये प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक लिया थोड़ा यहाँ पे, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई, SL हमारा यहाँ पे हुआ और टारगेट हमारा ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, आपको एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा टारगेट क्या होगा, और या आप पीछे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह लेवल देख सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि अपना एक जो टारगेट फिक्स रखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड को यहाँ पर पकड़ के रखो, ठीक है, कि 1:3 जाना है, कि 1:5 जाना है, ठीक है। अगर आप बड़ा पकड़ रहे हो, ठीक है, टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो, तो एटलीस्ट 1:5 का टारगेट यहाँ पे ईजिली रखो, या आराम से 50 से 70 पिप्स का प्रॉफिट लो यहाँ पे, ओके। तो ये आपका 4 आवर्स के अंदर मैंने आपको बताया है, इसी हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये सपोज करो ये डाउन ट्रेंड वाला आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल गया, ठीक है। हमें पता है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ से क्या करना है, शॉर्ट करना है, लेकिन हम पुल बैक का वेट करेंगे। नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर आया,
ये तीसरा पॉइंट हो गया, फिर प्राइस नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट नंबर टू था, ये वन था और ये थ्री था, ठीक है। तो टू को जब यहाँ से तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा, तो हमारा यहाँ से एक शॉर्ट पोजिशन ओपन हो गई। तीन नंबर जो था वो क्या हो गया, वो हमारा SL हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, ओके। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई 5 मिनट में किस हिसाब से करना है या 3 मिनट में किस हिसाब से करना है। तो पहले आपको चार्ट को देखना रहेगा कि आपको ज़्यादा कैंडल्स नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा नॉइस होगी तो क्या रहेगा कि आपको जो ब्रेकआउट्स वगैरह सही से दिखेंगे नहीं। तो एटलीस्ट अगर मैं 5 मिनट्स पे कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है, कि ये इस हिसाब से ये ऊपर ऊपर आया, यहाँ तक आया, ओके। उसके बाद से प्राइस यहाँ पे ये नीचे आया, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, ठीक है। याद रखो जब स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट नंबर वन था, ठीक है, ये टू था, ये थ्री था। तो नीचे आके वापस से जब इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमारा SL यहाँ पे होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे पिप्स कैलकुलेट करूँ कि अगर इस ब्रेकआउट से हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो नियर अबाउट कह सकते हैं आपको कम से कम यहाँ पे 6 पिप्स हो रहा है और ऊपर तक ये गया था 10 पिप के आसपास गया था। तो 10 पिप इन स्कैल्पिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल रहता है तो आपको बहुत कैंडल्स ऊपर नीचे दिखेंगे, ठीक है। तो ये देखना आपको, ये ऊपर तक गया, ठीक है, पॉइंट वन, पॉइंट टू, फिर यहाँ पे पॉइंट थ्री आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, ओके। आप पूरा चार्ट में कहीं भी देख सकते हैं, और इसमें क्योंकि हम पूरा कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पुल बैक आता है, फिर वो ब्रेकआउट लेता है, फिर हम एंट्री लेते हैं, तो ये काफ़ी सेफ है आपको, आपका SL इतनी आसानी से नहीं हिट होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगेन जो हम रिस्क एंड रिवॉर्ड पकड़ रहे हैं या प्रॉफिट रेशियो हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, वो 1:5 का कम से कम पकड़ रहे हैं, या स्कैल्पिंग में कहूँगा कि आपको 1:3 के आसपास पकड़ो, डेट इज़ गुड। स्कैल्पिंग में ज़्यादा मत करो, क्योंकि हम फटाफट निकल रहे हैं, मार्केट के मोमेंटम के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, ओके। तो इस हिसाब से आप करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और इनफैक्ट अगर कहते हैं हम 10 ट्रेड भी लेते हैं, 10 में सपोज करो आपके 4 भी SL हिट होते हैं, या मैं कहता हूँ 5 भी आपके SL हिट होते हैं और 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं, देन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं, 1:3 का कर रहे हैं या 1:5 का कर रहे हैं, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे रहेंगे। लोग ये सोचते हैं कि अरे 5 मेरा लॉस हो गया, 5 ट्रेड लॉस हो गया, नहीं, ठीक है लॉस हुआ है, लेकिन जो 5 आपके प्रॉफिट हुए हैं उनका रेशियो देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम 1% नीचे का पकड़ रहे हैं, सपोज करो हम बात करते हैं 1:3 की बात करते हैं, यानी कि 10 पिप्स का हमारा SL है और 30 पिप्स का प्रॉफिट है 1:3 का, और अगर हमारे 5 ट्रेड खराब गए, यानी कि 10 × 5 यानी कि 50 पिप्स का हमें लॉस हुआ, और बाकी जो 5 ट्रेड है वो सक्सेसफुल गए 30 पिप्स के हिसाब से, तो कितना हुआ हमारा आपका 30 × 5 यानी कि 150 पिप्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट लगा सकते हैं कि 150 पिप्स का प्रॉफिट हुआ और हमें 50 का माइनस हुआ, यानी कि ओवरऑल आपका 100 पिप्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। स्टैंडर्ड प्लॉट लेते हैं तो 1 पिप इज इक्वल टू $10 का प्रॉफिट होता है, ओके। तो इमेजिन कर लो आपका 100 पिप्स का प्रॉफिट, डेट इज इक्वल टू 1000 का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से करते हैं, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड करना कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, ओके। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसमें 2 मेथड का एक यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। सपोज कीजिए हमारा पॉइंट वन है यहाँ पे, पॉइंट टू यहाँ पे, पॉइंट थ्री यहाँ पे जो पुल बैक वाला होता है, उसके बाद से पॉइंट टू को जब क्रॉस करता है तब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ओके। तो हमारा SL क्या होता है, 3 होता है। अब कभी क्या रहता है, सपोज करो अगर आपको लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा एंट्री हो सकता है और आप अगर अपना एंट्री जो है वो यहाँ पे 3 नंबर से लेते हैं, तब आपका जो SL होगा वो 1 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्विक एंट्री ले रहे हैं, हम ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ले रहे हैं, पुल बैक पर ले रहे हैं। अगर इस हिसाब से आप सोच रहे हो तो यहाँ पर आप SL दूर रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसी हिसाब से जब हम एक डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहे हैं और यहाँ से ब्रेकआउट होता है, एंट्री हमारी यहाँ होती है, SL यहाँ होता है, अगर आप 3 नंबर से एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि ब्रेकआउट से पहले लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे SL ऊपर की तरफ आ जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, और अगेन अगर अभी तक आपने फॉरेक्स का अकाउंट ओपन नहीं किया है, देन यू शुड ट्राई ऑक्टा, इनकी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप जब भी रजिस्टर कर लेते हैं मुझे बता देना, क्योंकि हमारा एक और फॉरेक्स का सिग्नल चैनल है जहां से आपको फॉरेक्स के कॉल्स वगैरह सिग्नल्स वगैरह मिल जाएंगे, उसको भी आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो
और थोड़ा सा चीज़ों को देखो परखो तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, रैदर देन कि यार कहीं से कुछ वो मिल जाए, ये मिल जाए, कॉल आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, उस चीज़ पे इतना भरोसा मत करो। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको वापस से बताता हूँ, मेरे को याद आई, देखिए जो एक बहुत बड़े ट्रेडर थे उनका ये मानना था कि लोग जो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते रहते हैं ना कि हमको ये मिल जाए तो हम वो कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि आपके अंदर ही एक असली ट्रेडर छुपा है, आपको बस उसको खोजना है, ठीक है, आपको उसको तैयार करना है। अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं भाई विराट कोहली है, ठीक है, MS धोनी है, ठीक है, ये छक्के पे छक्के मारते हैं, ऐसे खेलते हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल से प्रैक्टिस की है, तब जाके वो कर रहे हैं। ओके, अभी आपको हमको बल्ला पकड़ा दें तो भाई हो सकता है एक तो चौका लग जाए लेकिन बोल्ड हो जाएंगे। ओके, आप डॉक्टर्स को देख लो, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं ना कि सीधा आप गए वो ऑपरेशन थिएटर में सीधा ऑपरेशन कर दिया, नहीं, वो इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके चीज़ों को कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी फील्ड के अंदर है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो उसमें प्रैक्टिस करता है, बार बार करता है, तब जाके उसके वो जो रहता है ना उस फील्ड का, उसको अच्छा खासा तजुर्बा आता है। ठीक है, तो आपको भी इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप का माइंड खुलेगा, और जिस दिन माइंड खुल जाएगा आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हम आसानी से ट्रेड करके जहाँ जॉब करते थे महीने का 25-30 हज़ार कमाते थे, ये तो यार कुछ घंटों की बात है। ठीक है, लेकिन वो सब करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करना, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और इसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, और इसके बाद फॉरेक्स की एक एडवांस स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को देख कर हम मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, 70-80% के आसपास आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस है बट मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं ना, जो बड़े इंस्टीट्यूशन इस सबके अंदर करते हैं, वो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करना ऑक्टा के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।